Hello everyone and a very warm welcome to Siksha. Guys, इस लेक्चर के अंदर हमने रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट्स का टॉपिक करना है. बेसिकली ये करंट अफेयर्स के अंदर ही हम इसको कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको ये लेक्चर मिलेगा. सो दिस विल बी लेक्चर नंबर 11 ऑफ द करंट अफेयर्स सीरीज. ओके, सो बेसिकली पिछले साल 2022 के अंदर बहुत सारे जो आपके साइट्स हैं, वेटलैंड्स हैं, वो रामसर साइट्स में ऐड हुए हैं एंड दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो हम इस लेक्चर के अंदर पहले तो रामसर कन्वेंशन क्या है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, उसको एक बार समझ लेंगे ब्रीफली और उसके बाद हम सारी की सारी साइट्स भी देखेंगे. साइट्स हम बड़ी तसल्ली से देखेंगे, मैं आपको लिख लिख करके एक एक साइट करवाऊंगा. उसको ध्यान से पेशेंस के साथ कीजिएगा और साथ के साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, सो दीज आर द एमसीक्यू कोर्सेज गाइस, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन एक्सप्लोर देम एंड पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है जहां पर आपको पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी इनकी. सो रामसर कन्वेंशन की बात करें तो दोस्तों इंटरनेशनल ट्रीटी है जो बेसिकली वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए या वेटलैंड्स के सस्टेनेबल यूज के लिए ये ट्रीटी को बनाया गया है. इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोलते हैं. रामसर कन्वेंशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि रामसर के अंदर ये कन्वेंशन, एक सिटी है ईरान में, वहां पर ये कन्वेंशन को साइन किया गया था. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रामसर कन्वेंशन, जो ईरान की एक सिटी है. कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था एंड इसी वजह से 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है. इसके अंदर 171 पार्टीज हैं जिनको हम कन्वेंशन टू पार्टीज या COP बोलते हैं. तो 171 मेंबर्स हैं इसके. एंड रामसर की फिलॉसफी क्या है, बेसिकली वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स. ये नहीं बोलता कि वेटलैंड्स को कम्प्लीटली यूज ही मत करो, वेटलैंड को यूज करो लेकिन सस्टेनेबल मैनर के अंदर. रामसर साइट के अंदर आने के लिए कन्वेंशन में क्राइटेरिया प्रोवाइडेड है कि कौन से साइट्स जो हैं वो रामसर कन्वेंशन के क्राइटेरिया में आती हैं. ठीक है, अगर कोई भी साइट इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, टोटल 9 है, 9 में से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो रामसर साइट के अंदर वो साइट को आप ऐड कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, इट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप फाउंड विद इन द अप्रोप्रिएट बायोजियोग्राफिक रीजन. ठीक है, तो बेसिकली नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड. देखो कुछ होते हैं आर्टिफिशियल वेटलैंड जो डैम वगैरह से क्रिएट हो जाते हैं ना, क्योंकि डैम आपका पानी रोकता है, बैराजेज होते हैं जो. तो यहाँ पर ये नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड है. थोड़ा सा ना इनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा. वो पेपर के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्टली पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो क्राइटेरिया है वेटलैंड का, तो उसमें आपको 9 जो क्राइटेरियाज हैं यहाँ पर उनकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, क्राइटेरिया 2 क्या है, इट सपोर्ट्स वल्नरेबल एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज. ठीक है, वेटलैंड जो है वो वल्नरेबल एंडेंजर्ड या क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज वहां पर पाई जाती हैं या थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं. सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. क्राइटेरिया 4 क्या है, इट सपोर्ट्स प्लांट और एनिमल स्पीशीज एट अ क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकल्स. क्राइटेरिया 5 सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स. क्राइटेरिया 6, इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड. तो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज या सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, उसमें से कम 1% पॉपुलेशन को ये सपोर्ट कर रही है. सपोर्ट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजीनियस फिश सब स्पीशीज, स्पीशीज ऑफ फैमिलीज, लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस, स्पीशीज इंटरैक्शंस. ओके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेलफेयर वेटलैंड बेनिफिट्स हैं. क्राइटेरिया 8, इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ऑफ फूड फॉर फिशीज, स्पॉनिंग ग्राउंड अच्छे हैं जहाँ पर फिश प्रोडक्शन अच्छी हो सकती है. एंड क्राइटेरिया 9, सपोर्ट्स 1% ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज जो नॉन एवियन. बेसिकली अभी 1% एवियन वाला देखा था, ये नॉन एवियन है. ठीक है, सो ये इसके 9 क्राइटेरियाज हैं जो थोड़े से आपने दिमाग के अंदर रखने हैं इनको, ताकि पेपर के अंदर अगर ये क्राइटेरियाज आ जाएं तो आप इजीली उसको आंसर कर सको. ओके,
अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है बेटा, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर जो रामसर वेटलैंड साइट्स ही हैं उन्हीं को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स में भी आती हैं, बट सारी नहीं आती। ये वो साइट्स होती हैं जो जिसके अंदर काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला हो, चाहे वो इकोलॉजिकल करेक्टर है, चाहे वो उस पर्टिकुलर साइट का जो फिजिकल करेक्टर है, अगर कंटिन्यूसली उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या ह्यूमन उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर जो है वो रखा जाता है। एंड रामसर लिस्ट का ही बेसिकली ये पार्ट है। इंडिया की दो साइट्स जो हैं वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर आती हैं, एंड दैट इज योर लोकटक लेक एंड योर क्योलेडियो नेशनल पार्क। ये दो वेटलैंड्स हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर है, ये भी आपने याद रखना बेटा, ठीक है। वो पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी साइट जो है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर आती है, ओके, तो याद रखेंगे अच्छे से। चलिए अब हम करेंगे बेटा सारे वेटलैंड इन इंडिया स्टेट वाइज करेंगे, हर वेटलैंड का आपने स्टेट याद रखना है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका एक ही वेटलैंड है, और आंध्र प्रदेश के अंदर जो वेटलैंड है वो है आपका कोलेरू लेक। कोलेरू लेक कौन सा है? कोलेरू लेक वेटलैंड आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है आपका असम के अंदर, असम के अंदर भी आपका एक ही वेटलैंड है, और असम के अंदर जो आपका वेटलैंड है दैट इज कॉल्ड दीपोर बिल, दीपोर बिल, दीपोर बिल, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका बिहार, बिहार में भी आपका एक ही वेटलैंड जो है वो आएगा, सो बिहार के अंदर कौन सा है दोस्तों? बिहार के अंदर है आपका कबरताल वेटलैंड, कबरताल वेटलैंड। ठीक है, तो ये हो गए आपके आंध्रा असम बिहार। देन वी हैव गाइज गोवा, गोवा के अंदर भी आपका एक ही वेटलैंड है। साथ साथ याद करते जाएं तभी ये प्रोसेस लिखने वाला यहां पर यूज कर रहे हैं, नहीं तो मैं लिस्ट आपको एज इट इज यहां पर दे देता। साथ के साथ याद करेंगे नंदा लेक, नंदा लेक, ये हो गया आपका गोवा का। आंध्रा में कोलेरू लेक, असम में दीपोर बिल, बिहार में कबरताल वेटलैंड, एंड गोवा के अंदर हो गया आपका नंदा लेक। उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के अंदर दोस्तों आपके टोटल चार वेटलैंड है, ठीक है, ये आपके चार वेटलैंड जिस स्लाइड के ऊपर आ गए हैं। उसके बाद गुजरात, गुजरात में आपके टोटल चार हैं, तो गुजरात में जो आपके चार वेटलैंड है वो कौन से हैं? सबसे पहले आपका खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आ जाता है आपका नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, फिर आ जाता है आपका थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देन फाइनली आपका वधवाना वेटलैंड। ठीक है जी, ये हो गए आपके चार गुजरात के अंदर। तो चार हो गए आपके आंध्रा के अंदर एक कोलेरू, असम के अंदर दीपोरबिल, बिहार के अंदर कबरताल, गोवा के अंदर नंदा लेक, फिर गुजरात में खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वधवाना वेटलैंड, गुजरात के चार हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ जी हरियाणा के ऊपर। हरियाणा में आपके दो हैं दोस्तों, हरियाणा के अंदर दो वेटलैंड हैं स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर। एक है आपका बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड नेक्स्ट है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, दो आपके हरियाणा के अंदर हो गए। उसके बाद दोस्तों तीन हैं आपके हिमाचल के अंदर,
एचपी के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपके तीन वेटलैंड है। तो हिमाचल के अंदर जो तीन वेटलैंड है वो कौन से हैं? चंद्रताल वेटलैंड, चंद्रताल वेटलैंड, ओके। उसके बाद है आपका पोंग डैम लेक, पोंग डैम लेक, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों आपका रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, ठीक है जी। तो ये तीन हो गए आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। इस स्लाइड के ऊपर आपके पांच वेटलैंड आ गए हैं। हरियाणा के अंदर दो, भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के अंदर तीन, चंद्रताल वेटलैंड, पोंग डैम लेक एंड रेणुका वेटलैंड, ठीक है। हिमाचल के बाद आ जाओ दोस्तों आप जे एंड के ऊपर, और जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है इसके अंदर आपके चार वेटलैंड है, सॉरी पांच वेटलैंड है। जे एंड के अंदर आपके पांच वेटलैंड है। तो जे एंड के की अगर हम बात करें, पांच वेटलैंड यहां पर आपके आ जाएंगे। तो जे एंड के में पांच वेटलैंड कौन से हैं? सबसे पहले आपका होकेरा, होकेरा वेटलैंड। दूसरे नंबर पर है आपका हाइगम या हिगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। फिर आ जाता है आपका शॉलबूग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शॉलबूग। वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। देन सुरिंसर मानसर लेक, सुरिंसर मानसर लेक, एंड फिर आ जाता है आपका वुलार लेक। अच्छा अब देखो, जे एंड के और लद्दाख अलग अलग यूटीज हैं, तो ये मैंने जे एंड के बताए हैं, लद्दाख के नहीं। लद्दाख के भी हम इसी स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं, लद्दाख के भी इसी स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। लद्दाख के अंदर दो वेटलैंड है बेसिकली, लद्दाख के अंदर दो वेटलैंड है, वो कौन से हैं? सबसे पहले तो है आपका सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और दूसरे नंबर पर है दोस्तों आपका सो मोरीरी लेक। ये सारे के सारे साथ की साथ याद करते जाओ, ठीक है। इसीलिए ये स्लो प्रोसेस को अडॉप्ट किया, नहीं तो अभी तक तो ये वीडियो खत्म हो चुका होता, ठीक है जी। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एंड सो मोरीरी लेक लद्दाख के अंदर। तो जे एंड के और लद्दाख के अंदर मिलाकर के टोटल सात है। इस स्लाइड के ऊपर आपके सात वेटलैंड आ गए। टोटल इंडिया में कितने वेटलैंड हैं अभी जो रामसर के अंडर हैं? 75 हैं। तो 75 वेटलैंड हमने देखने हैं। नेक्स्ट आ जाओ जी, जे एंड के बाद कर्नाटका के अंदर एक ही वेटलैंड है, कर्नाटका के अंदर एक ही वेटलैंड है, और वो कौन सा वेटलैंड है आपका? उसका नाम है रंगन थीटू बर्ड सेंचुरी, रंगना थीटू बर्ड सेंचुरी, कर्नाटका के अंदर एक ही है। फिर बात कर लेते हैं केरला की, केरला में तीन है, केरला के अंदर तीन है। तो केरला में जो तीन है वो कौन से हैं? उसमें एक तो आ जाएगा आपका अष्टमुडी वेटलैंड, अष्टमुडी, उसके बाद आता है जी आपका सस्थम कोटा लेक, देन वी हैव वेम्बनाद कोल वेटलैंड, वेम्बनाद कोल, वेम्बनाद कोल, ठीक है। तो टोटल चार वेटलैंड आपके इस स्लाइड के ऊपर आ गए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेट है वो है एमपी, एमपी, एमपी के अंदर आपके टोटल चार वेटलैंड है, चार वेटलैंड है एमपी के अंदर, चार वेटलैंड है, और वो है आपका भोज वेटलैंड्स, भोज वेटलैंड्स, ठीक है। उसके बाद आपका सख्य सागर,
ये अभी 2022 में ही ऐड हुआ है सख्या सागर। उसके बाद सिरपुर वेटलैंड, ये भी 2022 में ही ऐड हुआ है सिरपुर वेटलैंड। एंड देन इज योर यशवंत सागर, यशवंत सागर, ये तीनों वेटलैंड अभी 2022 में हुए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में सिर्फ एक वेटलैंड होता था जो था आपका भोज, लेकिन अब यहां पर चार हो गए हैं, ठीक है, यशवंत सागर, चार वेटलैंड हो गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों आपके तीन वेटलैंड है, महाराष्ट्र के अंदर तीन वेटलैंड है, और वो तीन वेटलैंड कौन से हैं महाराष्ट्र में, एक तो है आपका लोनार लेक, लोनार लेक, फिर आ जाता है आपका नंदूर माधमेश्वर, नंदूर माधमेश्वर, नेक्स्ट है आपका थाने क्रीक, थाने क्रीक, ठीक है, ये आपके हो गए तीन महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के बाद दोस्तों बात करें अगर मणिपुर की, तो मणिपुर में एक ही है, मणिपुर में एक है, और वो एक कौन सा है, मणिपुर में जो एक है आपका, दैट वन इज लोकटक लेक। लोनार और लोकटक में कंफ्यूज मत हो जाना, लोकटक अलग है, लोनार अलग है, ठीक है, लोकटक लेक। मणिपुर के बाद आपका मिजोरम में भी एक ही है, मिजोरम में एक ही है, 2021 में ऐड हुआ है, उससे पहले मिजोरम में कोई वेटलैंड नहीं था। तो मिजोरम के अंदर जो आपका वेटलैंड है, दैट इज पाला वेटलैंड, पाला वेटलैंड, ठीक है। तो इस स्लाइड के ऊपर आपके टोटल पांच वेटलैंड जो है वो आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों उड़ीसा की, उड़ीसा के अंदर छह वेटलैंड है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के अंदर छह वेटलैंड है, ओके। तो उड़ीसा में जो छह वेटलैंड है वो कौन से हैं, अंसुपा लेक 2022 में ही ऐड हुआ है, अंसुपा लेक, उसके बाद भितरकनिका मैंग्रोव्स, भितरकनिका मैंग्रोव्स, फिर आ जाता है आपका चिल्का लेक, नेक्स्ट इज हीराकुड रिजर्वॉयर, हीराकुड रिजर्वॉयर, उसके बाद सतकोसिया गॉर्ज, सतकोसिया गॉर्ज, एंड फाइनली उड़ीसा के अंदर है आपका तंपारा लेक, ये अभी 2022 में ही अगस्त के अंदर ऐड हुआ है तंपारा लेक। 2022 के अंदर बहुत सारे वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, बहुत सारे वेटलैंड्स, ठीक है, नंबर एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है वेटलैंड्स का इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली इसीलिए इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों पंजाब की, पंजाब के अंदर भी छह वेटलैंड है, पंजाब के अंदर भी छह हैं, तो पंजाब के अंदर कौन से हैं, बियास कंजर्वेशन रिजर्व, बियास कंजर्वेशन रिजर्व, कंजली लेक, कंजली लेक, उसके बाद हरिके लेक, हरिके लेक, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, केशोपुर मियानी कंजर्वेशन रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंगल
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड उसके बाद है आपका रोपड़ लेक, रोपड़ लेक। ठीक है दोस्तों, तो 6 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए आपके पंजाब के अंदर। पंजाब के बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के अंदर आपके वेटलैंड रिजर्व्स हैं तमिलनाडु में। तो 14 टाइगर वेटलैंड रिजर्व्स कौन से हैं तमिलनाडु के अंदर? चित्रन गुड़ी बर्ड सेंचुरी। बहुत सारे 2022 के अंदर ऐड हुए हैं ये तमिलनाडु के अंदर। जितने हम वेटलैंड रिजर्व्स देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे जो हैं 2022 के अंदर ऐड हुए हैं तमिलनाडु के अंदर। इससे पहले तमिलनाडु के अंदर कोई वेटलैंड था जो वो 2021 के अंदर एक था, उससे पहले 2002 में एक ऐड हुआ था, बाकी सारे 2022 में है। तो 14 में से 12 2022 में ऐड हुए हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ मनार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मनार। मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद जी कंजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी, कंजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी, कुंथंकुलम बर्ड सेंचुरी, कुंथंकुलम बर्ड सेंचुरी, पलीकरने मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद पिच्चवरम मैंग्रोव, फिर आ जाता है आपका पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, पॉइंट कैलिमर। देन सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। देन उदय मर्थनदपुरम बर्ड सेंचुरी, उदय मर्थनदपुरम बर्ड सेंचुरी, वेरी बिग नेम, उदय मर्थनदपुरम बर्ड सेंचुरी। फिर है आपका वधवर बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट विलॉर्ड बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कितनी हुई? कितने हुए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई एक हम भूल रहे हैं, कौन सा रह गया? चित्रनगुडी हो गया है, गल्फ ऑफ मनार हो गया है,
उसके बाद कंजरन कुलम हो गया है, ओके, एंड देन वी हैव डन कुंथन, अच्छा एक रह गया करिकिली बर्ड सेंचुरी, करिकिली बर्ड सेंचुरी, करिकिली बर्ड सेंचुरी, तो ये टोटल 14 हो गया है। अभी देखो एक बार में याद नहीं होंगे, है ना, एक बार में शायद याद ना हो, और वीडियो को रिकॉर्ड भी इसीलिए इस वाली को कर रहे हैं ताकि ये वीडियो आप एक बार सुनने के लिए मत रखो, इस वीडियो को मल्टीपल टाइम सुनना पड़ेगा, ट्रेन में कहीं जा रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं किसी शादी के फंक्शन में हो, वहां पर ईयरफोन लगाओ कानों के अंदर, रात को सोने से पहले नींद नहीं आ रही, मेरी आवाज जो है वो सुनने बैठ जाओ, नींद अपने आप आ जाएगी, तो उस तरीके से ये याद होंगे और एक आधा क्वेश्चन पक्का निकलेगा इसमें से इस बार। तमिलनाडु के बाद राजस्थान में तो दो ही है, देखो राजस्थान का याद करना आसान है, दो ही है सिर्फ, ओके, तो राजस्थान में दो कौन सी हैं दोस्तों, एक है आपकी क्योलेडियो, ये किसके अंदर है मैंने आपको बताया, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी है, ठीक है, क्योलेडियो घाना नेशनल पार्क, और एक है आपकी सांभर लेक, सांभर लेक, एक हो गई सांभर लेक, तो दो आपकी राजस्थान के अंदर है, ठीक है। अभी तक हमने 61 साइट्स कर ली हैं, अब सिर्फ 14 साइट्स और बची हैं। त्रिपुरा के अंदर एक ही है, त्रिपुरा में एक ही है, इजी है याद करना, त्रिपुरा के अंदर है आपकी सिर्फ रुद्र सागर लेक, रुद्र सागर, रुद्र सागर, ओके। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर भी आपकी एक ही है, उत्तराखंड के अंदर एक ही है, और उसका नाम है असन कंजर्वेशन रिजर्व, असन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। और उत्तराखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर दो हैं, एक है आपकी ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, और एक है आपकी सुंदरबंस, सुंदरबंस, ये इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड है, सुंदरबंस जो वेटलैंड है ये इंडिया का लार्जेस्ट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, अगर वो सवाल पूछ लेता है कि लार्जेस्ट वेटलैंड बताओ कौन सा है, तो आपका सुंदरबंस वेटलैंड जो है ये लार्जेस्ट वेटलैंड है, लार्जेस्ट, ठीक है। फाइनली हम आते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर, उत्तर प्रदेश में 10 है, तमिलनाडु में 2022 से पहले, देखो तमिलनाडु में बहुत सारी ऐड हुई 2022 के बाद, 2022 में, तो 2022 से पहले जो सबसे ज्यादा वेटलैंड होते थे वो यूपी में होते थे, लेकिन 2022 के बाद तमिलनाडु में हो गए 14, अब यूपी में कितने हैं, 10 है, ठीक है, तो 10 देख लेते हैं। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड, उसके बाद नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, देन सांदी बर्ड सेंचुरी, सांदी। अब देखो अगर वो सवाल इस तरीके से पूछ लेता है कि लार्जेस्ट वेटलैंड्स किस स्टेट के अंदर है इंडिया के, तो आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा, है ना। सरसई नवल झील, सरसई नवल झील, नवर झील, सुर सरोवर, सुर सरोवर, और अपर
अपर गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर, टोटल 10 हो गए आपके, ठीक है। और इसी के साथ हमारे 75 वेटलैंड्स खत्म हो जाते हैं। एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे, फटाफट से रिवीजन करेंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों एक है कोलेरू लेक, असम के अंदर भी एक है दीपोर बिल, बिहार के अंदर भी एक है कबरताल वेटलैंड, गोवा के अंदर नंदा लेक, गुजरात में चार है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वधवाना वेटलैंड, हरियाणा में दो भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हिमाचल के अंदर तीन चंद्रताल वेटलैंड, चंद्रताल वेटलैंड, पोंग डैम लेक एंड रेणुका वेटलैंड, जे एंड के में पांच है होकेरा वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शॉलबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सुरिनसर मनसर लेक, बुलार लेक, लद्दाख में दो है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एंड सो मोरिरी लेक, कर्नाटका में एक रंगन थीटू वर्ल्ड सेंचुरी, केरला में तीन अष्टमुडी सस्तमकोटा एंड वेम्बनाथ कोल, एमपी में चार भोज वेटलैंड साख्या सागर सिरपुर वेटलैंड यशवंत सागर, महाराष्ट्र में तीन लोनार लेक नंदूर माधमेश्वर थानी, मणिपुर में एक लोकटक लेक, मिजोरम में एक पाला वेटलैंड, ओडिशा में दोस्तों आपके छह हैं अंशुपा लेक, भितरकनिका मैंग्रोव, चिल्का लेक, हिराकुड रिजर्वॉयर, सतकोसिया गॉर्ज एंड तंपरा लेक, पंजाब में छह हैं ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कंजली लेक, हरिके लेक, केशोपुर म्यानी कंजर्वेशन रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपड़ लेक, तमिलनाडु में 14 चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी, कुंथन कुलम बर्ड सेंचुरी, पलिकरनई मार्श रिजर्व, पिचवरम मैंग्रोव, पॉइंट केलिमा, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उदयमार्थ अनंतपुरम बर्ड सेंचुरी अंधापुरम, वधुवर बर्ड सेंचुरी, वेदन थंगल बर्ड सेंचुरी, वेलोड बर्ड सेंचुरी, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एंड करीकली बर्ड सेंचुरी, राजस्थान में दो है क्योलेडियो घाना नेशनल पार्क और सांभर लेक, त्रिपुरा में रुद्र सागर एक ही है, उत्तराखंड में भी एक है असन कंजर्वेशन रिजर्व, वेस्ट बंगाल में दो है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एंड सुंदरबन, सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट वेटलैंड है, यूपी में 10 है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांदीव बर्ड सेंचुरी, सरसई नवर झील, सुर सरोवर एंड अपर गंगा रिवर। लार्जेस्ट तो दोस्तों मैंने आपको इसका बता दिया, अब इसके अंदर एक स्मॉलेस्ट कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट इसके अंदर होगा दोस्तों दो में टाई है स्मॉलेस्ट के लिए, रेणुका हिमाचल का और वेम्बनूर जो आपका तमिलनाडु में है, ये दो स्मॉलेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है, रेणुका हिमाचल का और वेम्बनूर आपका तमिलनाडु के अंदर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया गाइस। इस लेक्चर को यूज कीजिएगा, किस पर्पज के लिए यूज करना है, रिविजन पर्पज के लिए, जितना ज्यादा हो सके ये रिविजन में आपको, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्प करेगा। पीडीएफ इसका आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मिल जाएगा रिटर्न फॉर्मेट में इसी तरीके से। सो अगर मजा आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इसी तरीके से हम और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो रिटर्न वे में करेंगे ताकि वो आपके लिए याद करना आसान हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।